हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज तुम्हें चैप्टर फोर कराऊंगी। चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। इससे पहले मैं आपको फिफ्थ चैप्टर एपी और सेवन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा चुकी हूँ। अब फोर चैप्टर करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर करना है। ओके देखो ये है चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जैसे स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से ही पता चल रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक इसकी जिसकी मैक्सिमम पावर, किसी भी इक्वेशन की मैक्स पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन की मैक्स पावर 2 है तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैक्स पावर कितनी है 3 है तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्यूबिक इक्वेशन है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो मैं पहले पार्ट फर्स्ट से ही बताती हूँ सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट देखो बच्चों, इसमें लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें चेक करना है कि मैक्स पावर कितनी होगी। अगर 2 होगी तो दैट मींस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और अगर नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता। देखो ये लिखा है हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको सोल्व करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करो, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। क्या बनाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में जो मैक्स पावर है वो कितनी है 2 है। अगर मैक्स पावर 2 होती है तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और अगर मैक्स पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता। और इस वाली एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मींस यस या नो। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। यस, क्योंकि क्यों बनाता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मैक्स पावर कितनी है 2 है। अगर मैक्स पावर 2 है तो इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा बेटा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट मींस ये भी यस। ओके, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तो यस, मैक्स पावर 2 है तो यस, और अगर मैक्स पावर 2 नहीं है तो नहीं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ऐसे ही देख के नहीं बता देंगे कि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो देन यस, ये यहाँ पे स्क्वायर है तो देन यस। हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर सोल्व करने के बाद भी पावर हमारी 2 नहीं आती है, मैक्स पावर 2 नहीं आती है, इनफैक्ट 3 भी, अगर 3 भी आ जाए तो वो भी क्यूबिक इक्वेशन होगी, तो मैक्स पावर सिर्फ और सिर्फ क्या रहनी है, 2 रहनी है। और इसमें हम ये बताएंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट ये रफ कर देती हूँ।
अब है आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, लिखा है x माइनस टू, x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ओके, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अगर ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये भी हमारा मैक्स पावर टू देता है तो इट मीन्स वो क्वाड्रेट इक्वेशन बनाता है, और अगर नहीं तो क्वाड्रेट इक्वेशन नहीं बनाता है। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि आपको उससे पहले कि वो क्वाड्रेट इक्वेशन है या नहीं है, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, अगर प्लस माइनस है तो आपको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x, x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स 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 प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ओके, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। इससे ये कैंसिल, क्योंकि अगर हम देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है तो वो साइड चेंज करते ही आपस में कट हो जाते हैं। अगर हमारा इधर माइनस टू है और इधर भी माइनस टू है तो वो दोनों कट हो जाएंगे, अदरवाइज कट नहीं होंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो कट हो जाएगा, तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे x माइनस टू एक्स क्या हो गया, x माइनस टू एक्स हुआ माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स क्या हुआ टू एक्स माइनस का थ्री माइनस एक्स, इसे इधर लेकर आओ माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू, तो क्या हो गया माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ तो x की वैल्यू ही निकल गई है, लेकिन हम x की वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी थी, हमें तो ये चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं। यहाँ पे तो इक्वेशन सॉल्व हो गई है और स्क्वायर कट हो चुका है तो ये हमारा नहीं बनाता। ओके, आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि सभी बच्चे काफी इंटेलिजेंट है ना। अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ बताऊंगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। ओके, यहाँ पे हमें दे रखी इक्वेशन x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। इसमें आपको क्या करना है, वही इक्वेशंस को सोल्व करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं, सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे सोल्व करोगे x टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर इधर लेकर आओगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सोल्व करो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये हो गया बड़ा, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। देखो क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए करना क्या है कि अगर हमें इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो हमें ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना, अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया है तो हमें वो फॉर्मूले को ओपन कर देना है। ओके, अगर आप ऐसे करोगे कि ब्रैकेट्स को सोल्व करोगे फॉर्मूलेस को ओपन करोगे तभी आप बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तो यस, और अगर नहीं बनाता है तो नो, लेकिन वैसे आपको आंसर जो है वो यस और नो में ही देना है।
लेकिन फिर भी आपको सोल्व करके देना है। ओके, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर वन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं भी ये बता सकती हूँ आपको, वीडियो मैं ऑन करूँ और फटाफट ये बता दूँ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, यस नहीं बना रहा है, नो, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हम तो आपसे पहले काफी बच्चों को करा चुके हैं, है ना, काफी टाइम करा चुके हैं और कितने सालों से मैं ये सब चीजें कराती आ रही हूँ। तो मैं सिर्फ यस और नो में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं हर पार्ट को इसलिए खोल खोल कर बता रही हूँ जिससे तुम्हारा ये चैप्टर तो क्लियर हो ही हो, साथ में एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन सब चीजें क्लियर हो जाए कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है, हमें प्लस माइनस कैसे करना है, हमें डिवाइड कैसे करना है, हमें जो भी कुछ हो, है ना, हमें जो भी करना हो वो सब हम इसमें बता सकते हैं। ओके, इसे भी रफ करो, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट दिया है हमें, लिखा है क्या लिखा है, 2x-1 x-3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। देखो बच्चों, जब भी हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे हम किस में ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, कैसे हम फॉर्मूलेस खोलते हैं या कैसे हम क्वेश्चंस में आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको आई थिंक सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ओके, 2x x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 x-1 प्लस 5 x-1। ओके, यहाँ पे 2x² - x-3। ओके, 2x² - 3 2 6x - x-1 प्लस 3 इक्वल टू x² - x + 5x - 5, ठीक है। ये इधर x स्क्वायर प्लस में इधर लेकर आओ, किस में आएगा, माइनस में, 2x² - x² - 7x + 4x, फिर इधर लेकर आओ -4x + 3 + 5 = 0। तो क्या बचा, x² - 11x + 8 = 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है क्योंकि इस इक्वेशन में मैक्स पावर कितनी है, 2 है। ओके, सभी बच्चों को ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अब आ जाओ, ये आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट आपका क्या लिखा है, x² + 3x + 1 = x - 2² ओके, खोलो फॉर्मूला, x² + 3x + 1 a² - 2ab + b² इससे कैंसिल हो गया, 3x + 4x इससे ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, तो 7x = 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता है। देखो ये कौन सी इक्वेशन बनाता है, देखो जिसकी जिस भी इक्वेशन की मैक्स पावर हमारी 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बनाता है, जिसमें 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और जिसकी 3 है वो क्यूबिक इक्वेशन बनाता है। ओके, ये हमेशा हर बच्चों को ध्यान रखनी है। ओके, ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट अब देखोगे आप, सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में नहीं, मैं अलग से एक आप ये सब नोट कर लो, उसके बाद में सेवन्थ पार्ट एट पार्ट कराती हूँ। देखो सेवन्थ पार्ट, ये सिक्स पार्ट हो गया हमारा। अब देखो सेवन पार्ट, सेवन पार्ट में लिखा है कि x + 2 2x² - 1 x + 2 2x² - 1। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो a+b³ a³+b³ a-b³ के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें, मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी
ए प्लस बी, ओके। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। अगर यही फॉर्मूला ए माइनस बी के होल क्यूब का होता तो हमारा जो भी पूरा इक्वेशन है वो सारी किसमें होती, माइनस में, ओके। तो करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, रुक जाओ मैं खोल के बताती हूँ जिससे सबको समझ में आए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ओके। आगे करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सिक्स एक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, एक्स क्यूब क्यूब प्लस एट प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी सिक्स एक्स स्क्वायर ना क्या हो गया, सिक्स एक्स एक्स प्लस टू क्या हुआ, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। सॉल्व करो इसको, उधर लेके जाओगे टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स पहले स्क्वायर, क्यूब के बाद क्या होना चाहिए, क्यूब के बाद क्या होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। क्यूब के बाद होना चाहिए क्या, स्क्वायर, ठीक है। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स क्यूब के बाद टू एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का फोर्टीन एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स और माइनस एट इक्वल टू जीरो। जो भी वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दी है उन सबको आपको एक साइड चेंज कर देना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। और हमेशा स्टूडेंट्स साइन का हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्लस में है तो माइनस में करना है, माइनस में है तो प्लस में, साइन का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी मैक्स पावर कितनी है, थ्री। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना था। ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए किया है, ये वाला पार्ट, जिससे सबको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपने होल क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई किया था, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, आओ। लिखा है x क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब, x क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी थ्री टू जा सिक्स एक्स एक्स माइनस टू। तो ए क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व एक्स, ओके। अब एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कैंसिल, इधर ले आओ माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन एक्स प्लस वन प्लस एट नाइन इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस का थर्टीन एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस का नाइन इक्वल टू जीरो। ये भी मैक्स पावर, इसमें भी कितनी है, टू। तो ये भी क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे को इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती, मल्टीप्लाई करनी नहीं आती, या ब्रैकेट को ओपन करना नहीं आता, या फॉर्मूले याद नहीं है, तो इस वाली एक्सरसाइज में मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, किस तरीके से हम ब्रैकेट को खोलते हैं, किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साइन चेंज करते हैं। तो मैं, अगर आप जो भी आपका चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है, मुझे बताना, मैं वो वाला चैप्टर जो है ना आपको अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आप यही चैप्टर, जैसे मान लो मैं ये फोर
चैप्टर करा रही हूँ, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, मैंने एक एक फॉर्मूले, एक एक ब्रैकेट, एक एक साइन खोल कर बताया। अगर किसी बच्चे को जब भी समझ में नहीं आएंगे ना तो मुझे बताना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे। लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी। देखो हमें इसमें भी हमें ये बताना है, पहले हमें रिप्रेजेंट करनी है, हमें ये फॉर्मूला, हमें ये इक्वेशन बनानी है किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, और फिर हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, लिखा है। देखो बच्चों, इससे पहले मैं आपको फिफ्थ चैप्टर एंड सेवन चैप्टर करा चुकी हूँ, अभी फोर है, फोर के बाद में थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, इनके बाद में फिर उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगी। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो, है ना, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर कोई समझ में नहीं आए तो फिर पूछो। अगर आप वीडियो देखकर भी क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो मैं यकीन मानती हूँ कि आपको कहीं बाहर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी चैनल पर जाकर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हर सब्जेक्ट के आपको टीचर मिलेंगे। आप मैं बोल रही हूँ, हमारे इस ग्रुप में जितने भी टीचर हैं सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक एक टीचर की आप वीडियो उठाकर देखोगे, अगर आप वहाँ से भी पढ़ोगे तो भी आपको अच्छी सी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं यकीन मानती हूँ आपको कहीं भी बाहर ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। लेट करो जो ब्रेथ है ना, लेट करो जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की, वो हमारी क्या है, एक्स है ना, एक्स मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ दे रखिए एक्स, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। देखो पहले हमने वो ब्रेथ ही एज्यूम कर लिया है ना, उसके बाद उसने बोला है जो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ट्वाइस इज ब्रेथ लेंथ, ट्वाइस इज ब्रेथ 2x और 1 मोर देन। आई होप कि इक्वेशन समझ में आई होगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या थी, x 2x प्लस 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, है ना, और एरिया क्या दे रखा था, क्या दिया है एरिया में, 528। ओके, तो ये हो गया हमारा x 2x प्लस 1 इक्वल टू 528, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारा क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसमें तुम्हें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने ये पूछा है कि ये हमारे क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। अगर इसके फैक्टर भी हो सकते होते तो मैं इसके फैक्टर भी कर बताती, लेकिन इस क्वेश्चन ना तो इसके फैक्टर हो सकते हैं और ना ही इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस क्वेश्चन से सिर्फ इतना ही पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता है ना। ओके, तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हमने ब्रेथ जो है एक्स एज्यूम कर लिया, लेंथ उसने बोली है इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स इनटू 2x प्लस 1, तो एक्स 2x प्लस 1 इक्वल टू दिस, और ये दिस। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव, कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीजें लगातार चलती हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये हमारा कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो नंबर लगातार चलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कंजेक्टिव नंबर बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कंजेक्टिव इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं,
अगर आपका ये बेसिक होता है ना, 9th क्लास से आपके बेसिक स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी सीखने को मिलती है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, तो भी आप में ये यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलूँगी कि आप खूब मेहनत करो और इंडिपेंडेंट बनो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेट कर लो, लेट करो कि टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या हो गए हमारे, वो हो गए हमारे एक्स और एक्स प्लस वन। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो वो कंजक्टिव नंबर्स हमारे क्या हो गए, एक्स एक्स प्लस वन। तो एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू 306, क्योंकि उसने उनका प्रोडक्ट दिया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। तो दो कंजक्टिव इंटीजर जो थे हमने वो एज्यूम कर लिया एक्स और एक्स प्लस वन, फिर उसने बोला है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, 306। अगर हम एक्स एक्स प्लस वन का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस का वन। तो एक्स एक्स प्लस का वन इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो। ओके, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। वर्ड प्रॉब्लम हो या फिर आपके विदाउट वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन हो, मैंने एक एक फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए समझाया। थर्ड पार्ट देखो इस तरीके के एज के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे चल रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये आपको लाइफ टाइम के लिए जरूरत है जब तक आप किसी जॉब में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, और यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होता है। हर बच्चे को एक एक क्वेश्चन ना, एक एक फॉर्मूलेस, एक एक क्वेश्चन करने का मेथड वो ध्यान से समझना है। ठीक है, लिखा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन मदर एज। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो लेट कर लो कि जो रोहन की जो एज है वो क्या है हमारी, एक्स ईयर। और रोहन की मदर की एज क्या होगी, रोहन की जो मदर है वो मदर की एज उसने क्या बताई है, वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, ओल्डर मीन्स बड़ी है। ठीक है, ओल्डर मीन्स बड़ी है कि वो 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। तो x प्लस का 26 मतलब वो 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। देखो बच्चों, मैं ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद में। कहीं कहीं देखो ये आफ्टर भी आ सकता है, लिखा आफ्टर भी आ सकता है, हेंस भी आ सकता है। ठीक है, और सभी इन क्वेश्चंस में 3 years फ्रॉम नाउ हो, आफ्टर 3 years हो, हेंस 3 years हो, तो हम सभी में ऐड करते हैं। तो लिखा है रोहन्स एज एक्स ईयर्स, तो 3 years फ्रॉम नाउ हिज एज इज एक्स प्लस 3। ओके, और 3 years फ्रॉम नाउ मदर्स एज एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 29। उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो x प्लस का 3 एक्स प्लस का 29 इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 इक्वल टू 360। आगे सोल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3
32x इक्वल टू 360 माइनस 87, तो x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 32x इक्वल टू 360 माइनस 87, 10 में से 273, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू जी 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि इसने क्या पूछा था कि हमें रोहन्स मदर एज दे रखी थी 26 इयर्स ओल्डर देन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स मदर एज। तो हमने लेट कर लिया कि जो रोहन की एज थी, सॉरी जो रोहन की जो एज थी वो एक्स थी, मदर की एज क्या हो गई 26 इयर्स ओल्डर देन, मतलब उससे 26 इयर्स बड़ी थी, तो एक्स प्लस 26, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ तो एक्स प्लस 3, मदर से एक्स प्लस 29, दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 360, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या ये। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखो ये वाले क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन में भी मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर में, है ना, और फोर्थ चैप्टर में भी आपने समझ ही लिया है ना, तो थर्ड चैप्टर मुझे पहले कराना चाहिए था, लेकिन क्या है कि मैंने ना बीच में से शुरू करा, है ना, मुझे स्टार्टिंग से करना चाहिए था, सॉरी, बट कोई बात नहीं, मैंने फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट की अपनी वीडियोस, तो फिफ्थ सेवन्थ आफ्टर दैट फोर्थ देन थर्ड, मतलब आपका जो है बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, तो मैं रिवीजन भी करा दूंगी। आगे देखो लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेट कर लो कि जो स्पीड है वो क्या है हमारी, एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू हमारी एक्स किलोमीटर पर आर, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना दे रखा है हमें टाइम, 3 आवर्स। ठीक है, स्पीड इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 480 अपॉन एक्स, फिर उसे 8 किलोमीटर पर आर लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब एलसीएम लो, एक्स एक्स माइनस 8, 480 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल टू इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। ओके, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा क्या 480 इंटू माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, 800 88 जा 64 6 कैरी 3840 माइनस इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 24x, तो हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 31 जा 3 32 जा 6 38 जा, हाँ हो रहा है, 31 जा 3 32 जा 6 38 जा 24 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, वैसे भी ना सभी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड मतलब
जो हमने जो एज्यूम करी, मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ द ये एक्स किलोमीटर पर आर हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3. 480 हमने फिर एलसीएम लिया, ये कॉमन ले लिया, एक्स एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3. फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इसकी मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू 3. एक्स स्क्वायर माइनस हमने इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल टू दिस, या ये इक्वेशन हमने सोल्व कर लिया. ठीक है, इसके बाद मुझे लग रहा है ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है. ठीक है, मैं ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है. मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को एक एक पॉइंट्स क्लियर किया है, एक एक फॉर्मूलेस क्लियर किया है, और फिर भी अगर बच्चे को कोई डाउट हो या कोई भी हमारा उनको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूलेस या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ ना, एनीथिंग एल्स, तो आप जो है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा. मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी, इससे पहले आप ये वाली एक्सरसाइज भी अपनी अच्छे से क्लियर कर लेना. ओके. Okay.